बिग बॉस 17 के घर से तहलका को एविक्ट कर दिया गया है। इसी बीच अभिषेक कुमार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। अब फैंस ये जानने को बेताब हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक ने अपना आपा इस तरीके से खो दिया है। तो जहां तक हमें पता चली है कि अभिषेक कुमार और तहलका के बीच पिछले दिनों एक प्रोमो दिखाया गया था जिसमें अब तहलका ने अभिषेक का कॉलर पकड़ लिया था और उसके बाद ऐसी बातें होने लगी थी कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए थे। तहलका ज़्यादा फिजिकल हुए थे और जिसकी वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब वहीं वीकेंड के वार का भी प्रोमो आ गया जिसमें करण जौहर जो अभिषेक कुमार की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं और वो ये कहते दिख रहे हैं कि दोनों तरफ से ऐसी गलती हुई थी और एक तरफ से नहीं हुई थी और वो बीच बीच में अभिषेक को डांटते भी दिखे। उसके बाद ही एक प्रोमो आया जिसमें अभिषेक चिल्लाते देखे गए। अब ऐसी कयास लगाई जा रही है कि हो सकता है कि जब तहलका को घर से बाहर निकाला गया हो तो अभिषेक की बहस एक बार फिर अरुण से हो गई हो और अरुण ने अभिषेक को कुछ बोल दिया हो जिसे लेकर अभिषेक आपे से बाहर हो गए और वो इतना ज़्यादा बाहर हो गए कि वो बॉटल लेकर जाने लगे जिसे लेकर सब कहने लगे कि उसके हाथ से बॉटल ले लो नहीं तो वो किसी को मार देगा। फिलहाल तो ऐसा अंदाज़ा हमारी तरफ से लगाया जा रहा है। अब ये पूरी खबर क्या है और क्या हो सकता है इसका तो वीकेंड के वार में ही पता चलेगा। फिलहाल जिस तरीके से तहलका को शो से बाहर निकाला गया है इस पर कई लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है और फैंस ने ये भी कहा है कि तहलका को बिग बॉस से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक उन लोगों को ज़्यादा उकसाता था और जिसकी वजह से ही तहलका को बाहर जाना पड़ गया। वेल, क्या कहना है आपका बिग बॉस से तहलका को बाहर निकाले जाने पर? हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।